हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए, आज अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और टॉपिक का जो नाम रहेगा वो आप सभी को बता दूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो बेटा एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसका टॉपिक में से एक। टॉपिक का नाम आपका क्या है? डायरेक्शन, यानी कि दिशा। ये डायरेक्शन का जो टॉपिक है, दिशा का जो टॉपिक है, इसको अपन यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आपका हर एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम दिया गया हो, सभी में इसमें से एक क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्शन होती कितनी है सर? अगर हम बात करें कि टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं, कुल दिशाएं की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल बेसिक से चलते जाएंगे एडवांस लेवल तक, मैंने अभी बोला। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डायरेक्शन फोर होती है, चार होती है, फिर कुछ का आंसर आएगा कि नहीं सर एट होती है, कुछ सिक्स भी बोल देते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि अगर हम टोटल डायरेक्शंस की बात करें, कुल दिशाओं की बात करें, तो टोटल डायरेक्शन होती है 10, लेकिन उसमें से हमें पढ़नी है केवल एट। आठ के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, 10 कौन सी होगी अभी वो भी बताऊंगा कि दो एक्स्ट्रा कौन सी होती है। और आपने देखा भी होगा, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दूं, आप ये देखते हो न्यूज़। अब जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको अब पता लग जाएगा कि सर जो न्यूज है, अब न्यूज में कितनी डायरेक्शंस की बात होती है? यहाँ फोर, चारों डायरेक्शन। अब न्यूज में यानी चारों डायरेक्शन, चारों दिशाओं की खबरें आपको मिलेगी। ये न्यूज में ये डायरेक्शंस के नाम है बेट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ, ये चारों दिशाओं के नाम है। तो हमारे पास यहां चार दिशाओं के बारे में ज्ञान देता है, चारों दिशाओं के बारे में न्यूज जो है, इसका मतलब यही है कि चारों दिशाओं में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन हमें यहां जो पढ़ना है वो एट डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है। आठ दिशाएं पढ़नी है अपन को यहां पे, होती टोटल 10 है। अब आठ तो आपको पता ही हो जाएंगी, और दो कौन सी होगी उसको अच्छे से मैं बताऊंगा कि कौन सी होती है दो। डायरेक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी नोटबुक हो या बोर्ड हो, या आप किसी भी अगर एग्जाम में दे रहे हो, आपके पास पेपर हो, जब भी डायरेक्शन का कोई भी सवाल करोगे, तो उसमें आप जब ये एक साइन बनाओगे किसका, प्लस का, ये जब आप एक साइन बनाओगे प्लस का, तो इस प्लस के साइन की अगर अपन बात करें, ये मैंने प्लस का साइन बनाया ऐसे, ठीक है, एरो लगा दिया। प्लस के साइन की अगर अपन बात करें, तो इसमें से आपके पास में जो है सबसे ऊपर टॉप पे, यानी कि आपके फेस के सामने जो हमारा फेस है। अब जैसे मैं ऐसे बैठा हूं और मेरे पास यहां रजिस्टर, नोटबुक है, जो भी है पेपर है, और उसमें मैंने प्लस का साइन बनाया, तो जो मेरे फेस के सामने है बिल्कुल, उसको आपको हमेशा जो डायरेक्शन का नाम देना है वो देना है नॉर्थ। क्या देना है? नॉर्थ देना है। उसका डायरेक्शन का नाम आ जाएगा आपके पास में यहां उत्तर। इसको आप क्या बोलोगे? नॉर्थ, यानी कि उत्तर, ठीक है भाई। अब ऊपर नॉर्थ है तो इसके नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी? है भाई, अगर ऊपर नॉर्थ है तो इसके नीचे होगा आपके पास में कौन? साउथ। ये साउथ होगा। साउथ की अगर बात करें तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि सर ये होता है आपके पास में दक्षिण। ये होगा हमारे पास में दक्षिण। तो यहां पे आपके पास में ये हो गया है दक्षिण। डायरेक्शन समझ आ रही है? अभी सबसे ऊपर टॉप पे क्या मानेंगे? नॉर्थ, और उसके नीचे बॉटम में क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। अब इसकी बात करें कि सर यहां पे राइट हैंड साइड में क्या होगी? कि ये होगी ईस्ट। क्या होगी? ईस्ट होगी। ईस्ट की बात करें तो इसका मतलब है कि सर पूर्व। ये हो गया है ईस्ट, ये पूर्व दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट के अपोजिट में जो है वो कौन सी होती है? कि सर वेस्ट होती है। ये वेस्ट हो गया। वेस्ट का मतलब हो जाएगा कि सर हमारे पास में यहां पर कितना? पश्चिम, ठीक है, पश्चिम डायरेक्शन। तो टोटल अभी हमने यहां पर चार के बारे में चर्चा कर ली है, फोर डायरेक्शन में, कि सबसे पहले टॉप पे जो है वो नॉर्थ होता है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो ये चार डायरेक्शन तो ये हो गई है। अब मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके बीच में, इसके बीच की अगर अपन बात करें कि जो हमारे पास में ये है, ये वाली जो डायरेक्शन है, कि ये कौन सी होगी? अब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है,
तो बीच में कौन सी आ जाएगी? आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कौन सी आ जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, ये आ जाएगी आपके पास में नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। अब आप कहोगे कि सर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, बीच में हमने नॉर्थ ईस्ट लगा लिया, और मैं आपसे ये बोलूं कि ये वाली कौन सी डायरेक्शन है यहां से, तो ऐसा थोड़ी है ये होगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। या मैंने ये पूछ लिया कि ये अब कौन सी डायरेक्शन है, आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ऐसी ऐसी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी। तो याद रखो इस नॉर्थ से इधर ईस्ट से इधर तक, यानी कि बीच में जो भी ये स्पेस बचा हुआ है, चाहे आपका कोई बंदा इधर आए, चाहे डायरेक्शन आपको इधर की निकालनी पड़े, जो भी डायरेक्शन इससे इधर और इससे ऊपर जस्ट, तो बेटा ये डायरेक्शन पूरी की पूरी ही क्या बोली जाती है? नॉर्थ ईस्ट बोली जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां नॉर्थ है ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ऊपर आ गया तो सर इसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नहीं नॉर्थ ईस्ट ही है। अब ये ईस्ट है ये साउथ है, तो इसकी बात करें कि ये बीच में ये कौन सी आ जाएगी, तो ये आएगी हमारे पास में साउथ ईस्ट। ये कौन सा आएगा? ये आएगा आपके पास में साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, ये साउथ ईस्ट आ गया। अब ऐसे ही इसके बीच की बात करें कि यहां से, तो ये साउथ है ये वेस्ट है, तो ये कौन सा होगा कि सर ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, है भाई, ये डायरेक्शन कौन सी होगी कि सर ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद ऐसे ही ये बचा, तो इसकी आपसे बात करेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट, तो ये हो जाएगी आपके पास में नॉर्थ वेस्ट। ये लो भाई टोटल कितनी हो चुकी है अब यहां पे, अगर हम जिसके बारे में हमें पढ़ना है, टोटल पढ़ना है जिनके बारे में, वो हो चुकी है हमारे पास में यहां पर एट, आठ, चार तो मेन हो चुकी है, चार इनके पार्ट बीच वाले हो चुके हैं, तो आठ हो चुकी है सर, दस बताई थी, दो और कौन सी रह गई है, डायरेक्शन की बात थी ना, पढ़ना तो हमें आठ ही है, टोटल दस कौन सी है, दसवीं नवी और दसवीं, तो एक होती है बेटा टॉप वाली, यानी कि मैं आपसे कहूं कि ऊपर देखो, इसका मतलब डायरेक्शन पता है आपको कि हाँ कहां देखना है। एक में कहूंगा आपको कि बॉटम में नीचे की साइड देखो, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षितिज। तो आपको याद रखना कि हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो टोटल होती 10 है, पढ़ना हमें केवल 8 के बारे में है, मेन जिसमें चार होती है, चार इसकी एक्स्ट्रा वाली होती है, टोटल 8 है, लेकिन पढ़ना 8 के बारे में है आपको, ठीक है। तो अभी मैंने यहां केवल डायरेक्शन के बारे में आपको बताया है, नॉर्थ हो गया साउथ हो गया ईस्ट है वेस्ट है, इनके बीच के वाले की डायरेक्शन की बात कर ली। अब इसमें और आगे देखो क्या पढ़ना है, इसका बेसिक की बात करें अपन, तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं कि जो अभी आपने डायरेक्शन बताई है मुझे, ये मैं आपको यहां पे ऐसे हल्का सा दोबारा बना देता हूं, और ये आपके बीच वाली डायरेक्शन थी, इनको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये लो भाई ऐसी थी ना, टोटल कितनी हो गई है हमारे पास में, आठ डायरेक्शन हो गई है। अब इसमें हम बात करेंगे यहां पर एंगल का, कोण का, डायरेक्शन में एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं, है भाई, अगर मैंने आप लोगों को ऐसा बोला कि ये नॉर्थ होता है ये साउथ है ये ईस्ट है, ये कौन होगा वेस्ट, ये कौन होगा भाई नॉर्थ ईस्ट, ये कौन होगा साउथ ईस्ट, ये कौन होगा साउथ वेस्ट, और ये कौन होगा नॉर्थ वेस्ट, ऐसे होता है। मान लीजिए किसी बंदे का फेस नॉर्थ में है और उससे आपको किसी भी राइट और लेफ्ट में घुमा देगा और एंगल कौन पूछ लेगा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक डायरेक्शन से अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो एंगल है ये वाला सर ये कितने डिग्री का होता है, तो ये एंगल होता है बेटा 45-45 डिग्री का। कैसे पता लगा? क्योंकि ये यहां से नॉर्थ से ईस्ट तक ये पूरा वाला, ये वाले की अगर अपन बात करें तो ये होता है 90 डिग्री का। क्या होगा? 90 डिग्री का। इसको मैंने इन दोनों के सेंटर में मिड में रखा है तो दो भाग में बांट दिया 90 को 45-45। तो जब ऊपर वाला 45 है तो ये वाला जो है ये भी कितने डिग्री का हुआ? 45 डिग्री का। आई बात समझ में? अब इसकी बात करें कि सर ये ऐसे ही ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, और ये पूरा जो है यहां से यहां तक ये कितने का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है।
और सुनिए, अगर मैं इसकी बात करूंगा कि ये कितने का है, तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, और ये जो पूरा टोटल है ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास में वही कितने का, 45 डिग्री का सर, ये भी 45 डिग्री का, और ये पूरा जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये हमें एंगल के बारे में भी पता होना चाहिए कि सर कौन सा 45 डिग्री है, कौन सा 90 डिग्री है, क्योंकि कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि डिग्री में आपको रोटेट करवाएगा, घुमाएगा, और देन उसके बाद आपसे डायरेक्शन पूछ लेगा कि अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से एंगल कितने डिग्री में कहां घूम जाता है। अब सुनो एक बार, मान लीजिए, देखना ध्यान से, मैं यहां पर एक वही दोबारा से वो बना रहा हूं आपके पास में, ये आपके पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन होता है सर, नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या होगा, सॉरी, ये होगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और ये होगा नॉर्थ वेस्ट। अब सुनिए, अगर मैंने आपके पास में यहां ऐसा क्वेश्चन दिया, मान लीजिए एक बंदा है जिसका फेस नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में है, अगर उसका फेस नॉर्थ में है, वो अपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अब सर ये बताओ कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसके बारे में भी हमें नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है ये, मान लीजिए कि कोई बंदा ये खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, ये बंदा खड़ा हुआ है और ये इसके हाथ है, ठीक है, और ये फेस वैसे इसका आपने नहीं बनाना है क्योंकि इसका फेस सामने की साइड है, ये पीछे तो इसके वो हैं, ये बाल मैंने बना दिए इसके, ठीक है, ये इसके पैर हो गए, ये इसके हाथ है ही। अब सुनना, अगर ये ऐसे खड़ा हुआ है तो इसकी जो ये वाला हैंड है ना, ये वाला, इसको आप क्या बोलोगे, राइट, इसको आप बोलोगे राइट साइड, और इस वाले को आप क्या बोलोगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट भी है, हिंदी में बात करें तो यहां क्या लिखा होगा, दाया, और ये क्या लिखा होगा आपके पास में कि सर बाया। ऐसे ही सेम क्लॉकवाइज बोला है मैंने, क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा, तो क्लॉकवाइज अगर ये होगा राइट या होगा दाया, और या ये भी हो सकता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होगा दक्षिणावर्त, हिंदी में क्या होगा, दक्षिणावर्त। अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो क्लॉकवाइज मिलेगा, हिंदी की बात करेंगे तो दक्षिणावर्त मिलेगा। अच्छा, ये बात करें तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और या इसको क्या बोल देते हो आप, वामावर्त। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ, ये बंदा देखो ऐसे फेस करके खड़ा हुआ है, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो ये मेरी साइड कौन सी होगी, राइट, यानी कि दाया भी यही है, राइट भी यही है, क्लॉकवाइज भी यही है, दक्षिणावर्त भी यही है, घड़ी की दिशा जो है। ये बात करेंगे, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है, बाया है। तो समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो जो हमारा लेफ्ट राइट है वो यहां पे जो बंदा खड़ा होगा या बैठा होगा उसका भी वही लेफ्ट राइट के हिसाब से चलेंगे तो आपका सवाल सही होगा। उसका फेस के हिसाब से, कि मान लो फेस उसका नॉर्थ में है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। फेस उसका साउथ में है तो लेफ्ट कहां होगा, अभी ऐसे साउथ में फेस है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, मैंने आपको बोला था कि एक बंदा है जिसका फेस नॉर्थ में है, उत्तर में है, वो अपने क्लॉकवाइज यानी कि अपने घड़ी की दिशा में, वो अपने क्लॉकवाइज 135 डिग्री टर्न हो जाता है। भाई फेस नॉर्थ में है, वो अपने क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे 135 डिग्री टर्न हो जाता है। अब आपको बताना है कि उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। अब ये हमें पता है कि यहां से जब यहां आएंगे तो ये तो होता है कितना, 90 डिग्री, उसने बोला है 135, अब ये 90 यहां तक हो गया तो 135 के लिए 45 इसका लेना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 135, 135 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर बंदे का फेस नॉर्थ में था
और वो अपने क्लॉकवाइज 135 डिग्री टर्न हुआ है, ऐसे मुड़ा है, तो अब उसका फेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो अब उसका फेस आ जाएगा कौन से में? साउथ ईस्ट में। तो अब आंसर जो है वो साउथ ईस्ट आएगा। आगे बात समझ में? तो उसका आंसर अब साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया। और सुनो, मान लीजिए कि उसने बोला कि एक बंदे का फेस जो है वो साउथ वेस्ट में है, एक बंदा है उसका फेस साउथ वेस्ट में है। अब अगर साउथ वेस्ट में है और क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि वो अपने एंटी क्लॉकवाइज, वो अपने एंटी क्लॉकवाइज 225 225 डिग्री टर्न होता है, फेस ऐसा है इधर ऐसे, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज किधर रहेगा? अब देखो ये ऐसे है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा इसका उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज 225 जाने के लिए पहले ये यहां से यहां जाएगा, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा भाई? सर यहां से और इधर आया, देखना एक बार, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट में आया 90 डिग्री हो गया, मैंने यहां से इसको यहां पर ले गया हूं तो 135 135 डिग्री हो गया, ले जाना था 225, इसका मतलब कि यहां से 90 डिग्री और चलो अभी तो, और 90 डिग्री जब इधर और चलेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी कि नॉर्थ आ जाएगी। ये बात आगे समझ में? इस टाइप का एक टाइप बनेगा पूरा वहां से जो सवाल बनेंगे। अभी मैं केवल आपको ये एंगल के बारे में समझा रहा हूं, नहीं तो सवाल तो अभी से बनेंगे, जरूरी थोड़ी ना है 135 225 90 या 45 ही आपको बोले कि ऐसा गया, नहीं, 100 डिग्री 130 डिग्री 150 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी बोल देगा और उसका एक पूरा का पूरा टाइप बनेगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं अभी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, एंगल वाली, लेफ्ट राइट वाली, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल जीरो से अपन चल रहे हैं, ठीक है भाई? एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा आपको कि सर ये हमें समझ नहीं आया, इतना समझ आ गया है। चलो आगे चलते हैं और देखो और इसका बेसिक में क्या होगा। अब इसके बेसिक में ये होगा कि आपको एक बात याद रखनी, डायरेक्शन में सवाल जो बनता है फर्स्ट टाइप की, अगर अपन बात करें, मान लीजिए क्वेश्चन ने ऐसे बोला कोई बंदा अपने किसी सेंटर पॉइंट से एक किसी बिंदु से ईस्ट डायरेक्शन में गया। अब ईस्ट डायरेक्शन यहां से ऐसे होगी, ध्यान देना भाई, ईस्ट डायरेक्शन यहां से ऐसे चलेगी। अब जब वो बंदा ऐसे जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो यहां से इस वाली डायरेक्शन से आपसे उसने ऐसा बोल दिया कि कुछ दूरी जाने पर या 5 किलोमीटर जाने पर वो यहां से लेफ्ट में टर्न हुआ, वो बाएं मुड़ा। अब यहां से इसका लेफ्ट मतलब कैसे समझेंगे? जब भी आपको चलाने की बोलेगा, वो मोड़ने की बोलेगा, टर्न करने की बोलेगा, तो जो बंदा चल रहा है, जिसको आप चला रहे हो, उसको खुद को मानना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं चल रहा हूं। मान लीजिए मैं ईस्ट में जा रहा हूं ऐसे, तो मैं ऐसे जाऊंगा ना, ऐसे जाऊंगा, क्वेश्चन ने बोलो अपने लेफ्ट में टर्न हुआ। अब इसका लेफ्ट वही होगा जो मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो जो मेरा लेफ्ट होगा, तो मेरा लेफ्ट मतलब कि जो बंदा ऐसे जा रहा है लेफ्ट में टर्न होगा तो ये ऊपर की साइड जाएगा ऐसे। आ गया समझ में? अगर वो, ये तो हो गया लेफ्ट, अगर वो कहता कि वो यहां से राइट में टर्न हुआ तो राइट इसका नीचे हो जाएगा, राइट इसका कहां होगा? नीचे की साइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा कि कोई बंदा अपने सेंटर पॉइंट से नॉर्थ में गया, अब नॉर्थ आपको पता है कि यहां से कहां है कि सर ऊपर की साइड, जब ये नॉर्थ ऊपर की साइड है और यहां से आपसे क्वेश्चन ने बोला कि ये अपने राइट डायरेक्शन में टर्न हुआ, अब इसका राइट डायरेक्शन का मतलब है कि इसका राइट कहां होगा कि सर इधर की साइड अगर मुड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसका राइट, और अगर इधर की साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका क्या? लेफ्ट। ये आपके पास में है, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, कब? जब वो नॉर्थ की साइड गया है। और देखो, अगर क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि सर वो किसी सेंटर पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में गया, अब साउथ डायरेक्शन उसकी ये होगी, है भाई, साउथ डायरेक्शन उसकी ये है, यहां से क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि वो लेफ्ट में टर्न हुआ। अब जो बंदा साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो ऐसे जा रहा है, भाई ये मेरा फेस हो गया, ये तो नॉर्थ में है, अब मैं ऐसे हूं तो मेरा फेस साउथ में हो गया, तो मैं ऐसे जाऊंगा तो ये मेरा लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो जो बंदा साउथ में जाएगा तो अगर ये ऐसे मुड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट में मुड़ गया अपने, और ये इधर की साइड जा रहेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में मुड़ा है? राइट डायरेक्शन में मुड़ा है। ये बात आई समझ में? और सुनो, अगर आपसे किसी ने कहा कि कोई बंदा अपने किसी सेंटर पॉइंट से वेस्ट में गया, और वेस्ट में जाएगा तो ऐसे जाएगा,
समझ आ रहा है? हर डायरेक्शन को मैं आपको टर्न करवा करवा के बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ ये नहा है ना, या गलत हो जाए, नहीं, बिल्कुल आपका सही होना चाहिए कि ये ऐसे गया, और जब ये बंदा ऐसे जा रहा है वेस्ट में, तो इसके लेफ्ट राइट की अगर अपन बात करें, तो जो बंदा ऐसे जाएगा उसका ये कौन सा साइड होगा भाई, ये उसका होगा लेफ्ट, और ये ऊपर की साइड अगर अपन जाएंगे तो ये उसका कौन सा साइड हो जाएगा, राइट, तो ये उसका राइट साइड हो जाएगा, ऊपर वाला राइट था, ये नीचे वाला लेफ्ट हो गया है। तो मैंने आपको चारों डायरेक्शन का ये बता दिया, जब ऐसे जाएगा तो उसका लेफ्ट राइट कहां होगा, ऐसे जाएगा तो उसका लेफ्ट राइट कहां होगा। इसमें गलती मत करना, क्योंकि खासकर बच्चे इस लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं खुद, और ये सोचते हैं कि यार कहां मोड़ना था, सही को भी गलत करके आ जाते हैं, और सिंपल सवाल भी अपना रॉन्ग हो जाता है जब एक भी अगर आपने डायरेक्शन को गलत में टर्न कर दिया तो। ठीक है, अब इसको मैं एक साथ बता रहा हूं आपको, ये समझ में आ गया? तो एक साथ मतलब मान लीजिए कि मैं यहां से नॉर्थ ऐसे ईस्ट में गया, ईस्ट में जाके मैं लेफ्ट टर्न होना है तो ये हो गया, अब मुझे राइट टर्न होना है तो ये हो गया, अब मुझे अगेन राइट टर्न होना है तो ये लो भाई नीचे हो गया, अब मुझे वापस से लेफ्ट टर्न होना है ये लो भाई, अब मुझे यहां से अगेन लेफ्ट होना है ओके हो गया, अगेन लेफ्ट होना है इधर चला गया, राइट होना है इधर चला गया, वहां से लेफ्ट होना है, यहां से राइट होना है, फिर राइट होना है, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है ना, सभी डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट जो भी है इससे वो चलता रहेगा बंदा। एक ये समझ में आ गया, और सुनो, और अपने पास में क्या है भाई, मतलब कि इसका बेसिक की अगर अपन बात करें तो, और मैं आपको समझाऊं कि क्या समझना है। देखो भाई, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं सुनो, मान लीजिए कि मैंने आप लोगों से ऐसे बोला कि यहां से कोई बंदा ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे कोई बंदा यहां से ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे गया, चला गया भाई, अच्छी बात है। अब मैंने आपको ये बोला कि ये ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाने पर, या 10 मीटर मान लेते हैं, ये लो 10 मीटर, 10 मीटर जाने पर, 10 मीटर जाने पर ये अपने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अपने बाएं, अपने वामावर्त 45 डिग्री टर्न हो जाता है, 45 डिग्री मुड़ जाता है। अब ये 45 डिग्री टर्न होगा, 45 डिग्री मुड़ेगा, तो देखो मैं आपको यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं, ये मेरा सवाल है, ये मेरा क्वेश्चन है कि एक बंदा यहां से इधर गया ईस्ट डायरेक्शन में, और 10 मीटर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट हैंड साइड 10 मीटर चलने के बाद 45 डिग्री टर्न हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए ये है आपका, ये लो भाई, नहीं ये नहीं देंगे, पहले पहले आपको ए ऑप्शन ये दे देता हूं कि सर ये लो भाई ऐसे गया, फिर बी ऑप्शन आपके पास ये है, आपको ये बताना कौन सा ऑप्शन सही है, ये लो भाई, फिर सी ऑप्शन आपके पास में ये है, और डी ऑप्शन आपके पास ये है, ऐसे। ठीक है, सवाल क्वेश्चन मेरा क्या था कि एक बंदा है जो अपने ईस्ट में 10 मीटर जा रहा है, और 10 मीटर जाने के बाद वो अपने लेफ्ट हैंड साइड, अपने बाएं 45 डिग्री मुड़ जाता है, 45 डिग्री मुड़ने के बाद 45 डिग्री टर्न होने के बाद वो चल रहा है, आगे जा रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें से कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसकी तरफ वो जा रहा है भाई, ऐसा बताना है कि कौन सा ऑप्शन है कि जिसकी तरफ वो जा रहा है, यानी कि ए में जा रहा है, बी में जा रहा है, सी में, या डी में। अब आप लोगों का मन में आंसर, या काफी बच्चों का आंसर जो है वो यही आ जाता है कि सर इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे ऐसे देते हैं, क्यों क्यों देंगे वो, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है, इनको वो दिखाई दे रहा है कि सर ये 45 डिग्री का है, और वो सही भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं गलत दिखाई दे रहा है, ये है भी 45 डिग्री का। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वो बंदा ईस्ट में जा रहा है और वहां से 45 डिग्री टर्न हुआ है।
अब ये तो उसका 45 डिग्री बच रहा है इधर की साइड, मुड़ना तो उसने पता है कितना मुड़ा है इसमें, वो जो बंदा ऐसे जा रहा था मेरे भाई, जो ऐसे जा रहा है आगे तक, तो उसने ये पूरा ये से टर्न किया है, यहां से यहां तक का टर्न किया है, तो ये यहां से यहां तक का जो टर्न किया है ये कर दिया है 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री टर्न हुआ है। 45 तो बचा है उसके पास, जहां से उसने मतलब कि जहां जा रहा था रास्ते में से वापस से आ जाता उसी पर अगर 45 और मुड़ जाए तो 135 डिग्री टर्न हुआ है। इस वाले की बात करें जो बंदा ऐसे जा रहा है ऐसे, तो उसने ये यहां से लेके यहां तक आया है, तो उसने 90 डिग्री टर्न हुआ है, वो कितना हुआ है 90 डिग्री टर्न हुआ है। ऐसे वाले की अगर अपन बात करें तो ये बंदा जो जा रहा है ऐसे, ये चला गया, अच्छा ठीक है भाई, अब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये लग रहा है और सही है, क्या सही है कि जो बंदा ईस्ट में गया है वो ऐसे मुड़ा, 45 डिग्री ही टर्न हुआ, ये यहां से जो जा रहा है ये 45 डिग्री ही टर्न होके आगे जा रहा है, लेकिन ये टर्न हुआ है राइट हैंड साइड में, दाएं साइड में, और उस क्वेश्चन ने बोला था कि लेफ्ट साइड में टर्न हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा, डी होगा। कैसे होगा कि हमारे पास में ये जो है, ये जो बंदा ऐसे जा रहा था, ऐसे जो चल रहा है, तो इसका ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री टर्न होके ही वो ऐसे आगे की साइड गया है। ये बात आ गई आपको समझ में, है भाई। ये भी बहुत सारे बच्चे इस चीज को गलत कर देते हैं, सवाल जब भी आता है कि 45 डिग्री उसको टर्न करवाएगा मुड़वाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से चलेंगे वो कि भाई ये ले, और एग्जामिनर भी ऐसा है कि जो आपने ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से चलाए ना उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दे देगा, और अपना ए ऑप्शन में वही होगा और वो अपना आंसर लगा लेंगे, जबकि वो गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, लेफ्ट राइट का जो एंगल है, बेसिक चीजें हैं अभी हमारे पास में। चलो आगे चलते हैं, आगे की अगर अपन देखें कि और डायरेक्शन में क्या मेन चीज है सर, क्या काम आता है। अब एक मेन चीज मैं पहले आपको चलाने की बता देता हूं, क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया और सवाल ने ऐसे दिया कि एक कोई बंदा है वो अपने सेंटर पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में गया है 10 मीटर 10 मीटर, तो आपने यहां पर लिख दिया है 10 मीटर, ये लो भाई 10 मीटर लिख दिया 10 मीटर। उसके बाद आपने बोला कि सर वो अपने राइट हैंड साइड, अपने दाएं की साइड में मुड़ा और 5 मीटर चला, तो यहां से उसका राइट कहां होगा, नीचे, ये लो सर। अब 5 जो है वो हमने 5 चला दिया। थोड़ा सा इतना याद रखना क्या कि जब भी अपन ऐसे ये डायग्राम बनाएंगे उसको चलाने का, तो ऐसा तो है नहीं कि सर स्केल से नाप के चलाएं, आइडिया रखना रफली कि सर मैंने 10 मीटर को इतना चलाया तो 5 को थोड़ा सा इससे तो कम ही चलाना है, ठीक है, उससे डायग्राम अच्छा बनेगा। सबसे पहले किसी सेंटर पॉइंट से वो ईस्ट में 10 मीटर गया, उसके बाद वो वहां से राइट में टर्न हुआ, 5 मीटर चला गया, यहां से वो अगेन राइट में टर्न हुआ। अब सुनो, जो बंदा ऐसे साउथ की साइड जा रहा है तो वो अगेन राइट में 10 मीटर जाएगा, राइट में टर्न होगा, तो यहां से राइट इसका इधर है और ये क्या है, लेफ्ट। उसने कहा कि ये 10 राइट में टर्न होके 10 मीटर चला। अब 10 मीटर अगर चला है यहां भी, तो इसको या तो आगे ले जाओगे आप, या इसको आप क्या करते हो कि सर थोड़ा सा पीछे यहां तक चला देते हो, लेकिन नहीं, जब ऊपर वाला 10 आपने इतना चलाया है तो नीचे वाला भी तो 10 इतना ही होगा ना, तो नीचे वाला भी 10 इतना ही चलाओ कि सर यहां से 10 मीटर चलेगा, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, आ गया है ना, 10 मीटर था इसके नीचे आ गया। अब आप यहां से स्टार्ट किया था आपने चलना और आप अब यहां पे आ चुके हो, ये जो भी कोई बंदा चल रहा था वो यहां पे आ चुका है। अब मुझे एक बात बताइए, अब कौन सी डायरेक्शन में आप आ गए हो, तो आपसे सवाल देखो क्या क्या पूछ सकता है, छोटा सा सवाल है, इतना इजी एग्जाम में तो नहीं आएगा बट समझते हैं। आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी डिस्टेंस यानी कितनी दूरी पर है, और स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन कौन सी है। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस दूरी पूछ लेगा या स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन दिशा पूछ लेगा। तो जब भी आपसे स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछे या किसी भी पॉइंट से डायरेक्शन पूछे,
जिस भी पॉइंट से डायरेक्शन का नाम लेगा, चाहे वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से हो या उसका एंडिंग से हो या कोई और भी उसका पॉइंट हो कि यहां से अब उसकी कौन सी डायरेक्शन है, तो जिस भी पॉइंट से डायरेक्शन की बात करेगा आपको उसी पॉइंट में एक ऐसा प्लस का साइन बनाना है। ठीक है भाई, आपको ऐसा क्या बनाना है, प्लस का साइन बनाना है। जब मैंने ऐसे प्लस का साइन बना दिया तो ये प्लस के साइन में याद रखना कि यहां से ये डायरेक्शन पूछ रहा है तो बेटा ये कौन सी होती है कि सर साउथ, ये कौन सी होगी, साउथ डायरेक्शन में होगा, ये लो भाई। और अगर ऐसा पूछा कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहां आप प्लस का साइन बना लो, और यहां आपने प्लस का साइन बनाया तो बताओ ऊपर की साइड ये कौन सी डायरेक्शन होती है कि सर नॉर्थ, तो आंसर नॉर्थ आ जाता है। ठीक है, जिस भी पॉइंट से पूछेगा आपको उसी से बताना है। फिर अगर हम बात करें कि डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस आप कैसे बताओगे, तो सर डिस्टेंस हम ऐसे बताएंगे कि यहां पे आपको पता है कि ये वाले डिस्टेंस निकालनी है, जब ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये भी कितनी रहेगी, 5 मीटर ही तो रहेगी, 5 मीटर रहेगी। इतना सिंपल, इतना इजी सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज समझनी है कि अगर डायरेक्शन पूछे तो कहां से पूछेगा तो क्या करना है, डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करना है, उनको चलाना कैसे है, ये फर्स्ट टाइप अपन पढ़ रहे हैं डायरेक्शन का। ठीक है भाई, अच्छा और देखो, मान लीजिए उसने ऐसा क्वेश्चन बोला आपको कि एक बंदा है जो किसी पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में गया, अब साउथ में ये लो ऐसे आ गया, साउथ में आया और ये 20 मीटर चला, 20 मीटर ये लो हमने इसको 20 मीटर चलाया, आगे समझ में। अब आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन कि यहां से वो बंदा अपने लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ा और सर 10 मीटर चला, यहां से उसका लेफ्ट ये रहा, ये 10 मीटर चला गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ा और 10 मीटर 10 मीटर चला, चल गया भाई, अब वो यहां पे आ चुका है। अगली ही लाइन में फिर ये बोल रहा है, ध्यान सुनना, अब अगली ही लाइन में ये बोल रहा है कि 10 मीटर जो यहां चला था यहां पे आ गया, मतलब अब यहां से, अब यहां से वो अपने वेस्ट डायरेक्शन में गया, मतलब मुड़ा वेस्ट डायरेक्शन में गया 20 मीटर। क्वेश्चन दोबारा सुनो, सेंटर पॉइंट से 20 मीटर साउथ में गया, अपने लेफ्ट टर्न हुआ 10, 10 मीटर चला, वहां से वो वेस्ट डायरेक्शन में, वहां से वो वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, तो याद रखना यहां से इसका वेस्ट, कैसे पता करोगे कि डायरेक्शन का साइन बनाया प्लस का, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इस वेस्ट का मतलब है कि ये वापस उसी रास्ते से पीछे चल देगा और पीछे चलेगा 20, 20 का मतलब है 10 तो ये कवर करनी है और 10 आगे की कवर कर लेगा। ठीक है भाई, 10 आगे की कवर कर लेगा। अब यहां से क्वेश्चन और बन रहा है आपका कि अब वो अपने राइट हैंड साइड गया भाई, अपने राइट हैंड साइड मुड़ा और राइट हैंड साइड मुड़ने के बाद वो चला गया है 10 मीटर अगेन, ये लो सर 10 मीटर चला गया, 20 था लगभग, इसका आधा चलेगा, यहां से फिर राइट में टर्न हुआ और राइट में टर्न होकर 10 चला गया, अब 10 ये 10 है तो वो भी 10 हो जाएगा, ये लो यहां पे, अब वो यहां पहुंच गया, कितना घुमा फिर आगे चलाया, यहां चलाया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि उसका अब जो ये यहां पहुंचा हुआ है, उसका अब स्टार्टिंग पॉइंट से, इस पॉइंट से कौन सी वो डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी कि साउथ, कौन सी होगी साउथ, और ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 20 था, ये कितना है 10, तो ये कितना बचेगा 10 मीटर 10 मीटर, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्शन में, बेसिक्स क्वेश्चन है भाई, ये हुआ। और देखो, और की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में आपसे ये और भी क्या पूछ सकता है, मेनली आपसे ज्यादा जो डायरेक्शन में से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे हाइपोटेनस का पूछ लेगा, कि जैसे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इसका ये कितना होता है सर 90 डिग्री 90 डिग्री, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, तो डायरेक्शन में, दिशा में, डायरेक्शन में आपसे क्या पूछेगा, डायरेक्शन में आपसे मैक्सिमम ज्यादातर इस ए को पूछेगा, है ना, इस ए को पूछेगा कि ये डिस्टेंस पूछेगा, डायरेक्शन पूछ लेगा, कुछ ही पूछेगा, इस ए के बारे में पूछेगा। अब इस ए के बारे में पूछेगा, आप सभी को ये पता है कि अगर मुझे ए निकालना हुआ, अगर मुझे ए निकालना हुआ तो कैसे निकालते हो सर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है सी स्क्वायर, फिर आगे आप निकाल ही लेते हो रूट लगा के ए की वैल्यू, है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत है ही नहीं।
तो ये हमें निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ने सवाल दिया कि एक पॉइंट से एक बंदा ईस्ट में गया, ईस्ट में गया तो यहां ऐसे जाएगा, वो चला है 3 मीटर, 3 मीटर चला गया, 3 मीटर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा, 4 मीटर गया। अब यहां से उसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कहां होगा, ऊपर ऐसे होगा, और 4 मीटर 4 मीटर चला गया और वो यहां पहुंच गया। समझ आया सवाल, कि एक बंदा अपने किसी पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर गया, वहां से वो लेफ्ट में टर्न होकर 4 मीटर गया, 4 मीटर, अब वो वहां पहुंच चुका है। आपसे क्वेश्चन, आपसे सवाल ये देगा क्वेश्चन की, बताइए कि अब जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन, इस पॉइंट से डिस्टेंस भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है। अगर हम निकालेंगे सबसे पहले डायरेक्शन, क्या निकालें, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी कि सर वो ये वाली तो होती है नॉर्थ और ये होती है ईस्ट, और ये जो डायरेक्शन है ना ये वाली, ये जो है सर ये बीच में जो आ रही है, ये तो हमने पढ़ रखी है कि अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है तो बीच वाली होती है नॉर्थ ईस्ट। कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, तो डायरेक्शन तो आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। और जो उसने डिस्टेंस पूछा है, जो उसने दूरी पूछी है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कि डिस्टेंस आ जाएगी जब सर ये 3 है और ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी कि 5 मीटर हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, ये 5 मीटर 5 मीटर हो जाएगी। अब 5 मीटर हो जाएगी तो ये तो डायरेक्ट हमें कुछ को याद भी रखना पड़ेगा, निकाला कैसे है कि सर मैंने निकाला 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 25, और ए की वैल्यू निकालने के लिए 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस टाइप से आपसे सवाल पूछ लेगा। अगर ये पूछेगा कि यहां से उसके स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो आपको यहां फिर प्लस का साइन बना लेना है, यहां ऐसे प्लस का साइन, प्लस का साइन बना के अब ये देखो कौन सी होती है नीचे, साउथ, ये कौन सी होती है वेस्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट। इसमें अभी तो और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो हम यहां तक पहुंचे हैं कि जहां से एग्जामिनर सवाल पूछना शुरू करता है, और भी बहुत डेप्थ में चलेंगे, इसी में बहुत सारे सवाल हैं, अभी तो ऐसे बनेंगे इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ये और आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।